दूध पिलाने के दौरान जो क्रैक निपल आ जाते हैं, निपल पर रैशेस बन जाते हैं और छाती का सूज जाती है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो माएँ सही तरीके से बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जो निपल है वो सही तरीके से बच्चे के मुंह में नहीं डालते। और या बच्चा दूध पिलाते पिलाते सो गया है और लेकिन उसने अभी अभी आपकी निपल को नहीं छोड़ा और ज़बरदस्ती उसको बच्चे के मुंह से निकालते हैं तो उसको क्रैक निपल्स आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कल्चरल गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दूध पिलाने के सही तरीका, दूध पिलाने के दौरान जो माओं को प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे वो क्या होती हैं और अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको कैसे वो ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि बच्चे को दूध पिलाना शुरू कब करें, तो हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं या सीजेरियन करते हैं तो अक्सर फीमेल्स कहती हैं अभी तो दूध नहीं आया, अभी तो हम दूध पिलाना नहीं शुरू करते, हम हफ्ते तक शुरू करेंगे। तो इसका आंसर है कि जैसे ही डिलीवरी हो एज सून एज पॉसिबल बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन होता है कि हम बच्चे को दूध कितनी दफ़ा पिलाएं, हमें कितने बच्चे को क्या पता लगेगा हमें अब बच्चे को दूध पिलाना है या नहीं पिलाना। तो इसका है आंसर ये है कि बच्चे को दूध जो आपने पिलाना है उसकी डिमांड, जब बच्चा आपसे डिमांड करे या बच्चे को ज़रूरत हो या आपको महसूस हो कि बच्चा को भूख लगी है आप उसको दूध पिलाएं, चाहे वो दिन में कितनी दफ़ा भी पिलाना पड़ता है आप इसको पिलाएं। रफली पास लोग कहते हैं कि हर 4 से 6 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, तो ये भी ठीक है लेकिन जो बेस्ट है जैसे बच्चा मांगे उसकी डिमांड के मुताबिक माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब है कि दूध पिलाने का सही तरीका क्या है, जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है या बच्चे को दूध पिलाना है सबसे पहले क्या होता है कि अपने लोकल एरिया को ज़रूर साफ़ कर लें ताकि कोई इन्फेक्शन या डर्ट ना हो जो बच्चे के मुंह में जाकर उसको डिस्टर्ब करे या उसको प्रॉब्लम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दूध पिलाने का सही तरीका क्या है। दूध पिलाने का जो सही तरीका होता है इसमें सबसे पहले है कि अपना लोकल एरिया को नीट करें ताकि उस पर कोई डर्ट या कोई ऐसी गंदगी ना लगी हो। नेक्स्ट है कि जब बच्चे को दूध पिलाना है तो आपने बच्चे का जो मुंह है वो निपल के पास लेकर आना, ना कि आपने ब्रेस्ट को पकड़ के बच्चे के मुंह में डालना है, ये अच्छा ये सही तरीका नहीं होता। और जब बच्चे को निपल मुंह में डालना है तो जो बच्चे के होंठ हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हों कि आपको निपल नज़र नहीं आना चाहिए, कि जो निपल है वो मुकम्मल तौर पर बच्चे के मुँह में होना चाहिए। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो बच्चा अच्छे तरीके से सक कर सकता है और जब निपल मुकम्मल तौर पे बच्चे के मुंह में होता है तो ज़ाहरी बात है जो पीछे साइनसेस होती हैं जो ब्रेस्ट के साथ दूध की साइनसेस अटैच होती हैं बच्चा वहाँ से सकर के दूध को लेता है। लेकिन अगर सिर्फ निपल है या निपल का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ निपल का कुछ हिस्सा बच्चे के मुँह में है, सारा नहीं है। तो जब बच्चा सक करता है तो सकने से क्या होता है कि ज़ाहरी बात है वो पिछली जो ब्रेस्ट की साइनसेस होती हैं वहाँ से मिल्क को सक नहीं कर सकता तो दूध कम आता है, जब दूध कम आता है तो बच्चा ज़ोर से सकलिंग करता है, बार बार करता है। और इस इम्प्रॉपर मेथड की वजह से क्या होता है कि एक तो दूध कम आता है, बच्चा डिस्टर्ब होता है, दूसरा माँ के जो निपल्स पे क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि ज़ख्म हो गए हैं या उस पर चीरे आ गए हैं। जो क्रैक निपल की जो मेन वजह है वो ये गलत तरीका है जिससे फीमेल बच्चों को दूध पिलाते हैं। जब भी दूध पिलाना है पूरा का पूरा निपल बच्चे के मुँह में होना चाहिए। उसके बाद दूध पिलाकर बाज़ का होता है कि बच्चा दूध पीते पीते सो गया है या हो गया, लेकिन अभी तक उसने बच्चे के माँ ने बच्चे ने माँ के निपल को नहीं छोड़ा, तो क्या किया जाता है कि ज़बरदस्ती बच्चे का मुंह निपल से निकाला जाता है। इस तरह निकालने से भी क्रैक्स आते हैं, चीरे आते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जब बच्चा इस तरह दूध पीते पीते सो जाए या दूध नहीं पी रहा और आप उसको छुड़वाना चाहते हो तो जो उसका बच्चे का मुंह का एंगल होता है ऐसे आप वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टैप करो। इस तरह टैप करने से क्या होता है कि बच्चा मुंह खोलता है, जैसे बच्चा मुंह खोलता है आसानी से आप निपल बाहर निकाल लेते हो, इसे क्रैक्स निपल नहीं आते, तकलीफ़ नहीं होती, ये बेहतरीन तरीका होता है। और बच्चे को तब तक दूध पिलाओ जब तक बच्चा चाहता है, बीच में बच्चे को दूध पिलाते पिलाते दूध मत छुड़ाएं, इससे एक तो माँ की डिससेटिस्फेक्शन होती है और जो बच्चा होता है वो भी साइकोलॉजिकली या मेंटली डिस्टर्ब होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारे पास आता है कि बहुत सी फीमेल दूध पिलाती इसलिए नहीं कि उनको दूध कम आता है, बच्चे की डिमांड पूरी नहीं होती, अब क्या करें। इसमें होता है कि पहले तो बात है जितनी दफ़ा भी आप दूध पिलाएंगे दूध बढ़ेगा, क्योंकि जितने टाइम बच्चा निपल को सक करता है फीमेल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे मज़ीद मिल्क प्रोडक्शन होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है जिससे मज़ीद मिल्क प्रोडक्शन होती है। अगर इन सब बार बार दूध पिलाने के बावजूद अगर माँ को दूध नहीं आता तो नेक्स्ट होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन भी इसके लिए होती हैं, पहले तो कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं कि जो काला ज़ीरा होता है ब्लैक ज़ीरा आप उसको इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, थोड़ा सा चुटकी या हाफ चम्मच रोज़ाना अपने डेली रूटीन में आप सालन में डालो, अपनी रोटी में डालो, किसी भी तरीके से उसको ऐड करो। नेक्स्ट आती है होम रेमेडीज़। एक होम रेमेडी होती है जिसे कहते हैं काला ज़ीरा। काला ज़ीरा अगर हम फीमेल की डाइट में ऐड कर दें जो दूध पिला रही होती है, काला ज़ीरे के इस्तेमाल से भी दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन भी अवेलेबल होती हैं जो कि जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा कर फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, जिसमें आ जाता है मीटोक्लोपामाइड है, सल्फापराइड है। ये मेडिकेशन अगर हम फीमेल को देते हैं सुबह शाम 10 से 15 दिन के लिए और साथ दूध उसकी डाइट में ऐड करते हैं कि उसको दूध ज़रूर पीना चाहिए तो उसकी दूध की मकदार बढ़ जाती है। वैसे भी जो शुरू के फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर दूध कम बनता है, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 15 हफ्तों तक दूध मैक्सिमम बनना शुरू हो जाता है कि एक दिन में तकरीबन 800 ml तक दूध बनता है जो कि बच्चे की डिमांड के लिए आलमोस्ट सफिशिएंट होता है, वो ठीक होता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होती हैं दूध पिलाने के दौरान बहुत सी माँ को आती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी आती है वो है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, के 2 या 3 दिन डिलीवरी के हुए हैं तो छाती सूजना शुरू हो जाती है या भारी हो जाती है, क्योंकि शुरू के दिनों में फीमेल्स इतना अच्छा दूध नहीं पिला पाती या उसको दूध नहीं पिलाया जाता या बच्चा उतनी मिकदार में दूध नहीं पीता जितना पीना चाहिए, या वैसे भी जब कभी बच्चे को दूध ज़्यादा आ रहा है माँ को और बच्चा दूध कम पी रहा है तो छाती में दूध इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से छाती सूजना शुरू हो जाती है, जिससे माँ को बुखार होता है और उसके सर दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि एज सून एज पॉसिबल उसको बच्चे को दूध पिलाना शुरू करना चाहिए, लेकिन छाती के भारी होने की वजह से बच्चा उस पावर से सक नहीं पड़ता तो बेहतर होता है कि जो ब्रेस्ट पंप अब मार्केट में अवेलेबल होते हैं उससे जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको निकाला जाए ताकि जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाए और बच्चा उसको आसानी से सक कर सके निपल के ज़रिए दूध को। दूसरा, मार्केट में जो एंटी बुखार की मेडिसिन होती है या दर्द की मेडिसिन, सिंपल मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है क्रैक निपल्स। फीमेल्स आती हैं हमारे पास के निपल पर चीरे आ गए हैं, ज़ख़म आ गए हैं, दूध पिलाने में तकलीफ़ होती है, बाज़ का वहाँ से खून आता है, पस भी आती है। सबसे पहले तो ये होता है जो निपल्स में क्रैक्स आते हैं वो क्यों आते हैं, वो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है तो पूरा का पूरा निपल बच्चे के मुँह के अंदर हो, जो बच्चे के लिप्स हैं आपकी प्रेस जो चाहती है ना उसको प्रेस कर रहे हो, इतना मतलब आपने उसको बच्चे के मुँह में डालना होता है, इससे निपल्स के क्रैक्स नहीं आते। लेकिन क्योंकि बच्चे के अंदर जब इम्प्रॉपर बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और बच्चे के मुंह में बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं स्टैफिलोकोकल ओरियस, ये इस इन्फेक्शन के ज़रिए ही वहाँ पे उन क्रैक्स में इन्फेक्शन करता है, यही वजह उसमें पेन होती है, बाज़ पस भी आती है। तो इस वजह से एक तो प्रॉपर मेथड यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर क्रैक निपल हो गए हैं तो क्या करना है, एक तो आप उसको रेस्ट दो, ब्रेस्ट पंप के ज़रिए दूध को एक्सट्रैक्ट करें। मार्केट में ना निपल शीट्स अवेलेबल होती हैं, उन पर शीट चढ़ा लेते हैं जब तक ताकि वो निपल मुड़े ना या उसके जो चीरे हैं उनको रेस्ट मिले, वो बहुत हीली होती हैं। सोमोजेल, पोलीफेक्स सिंपल मेडिकेशन होती हैं, सिर्फ ये अप्लाई करने से और रेस्ट करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है मेस्टाइटस। मेस्टाइटस क्या होता है कि क्रैक्स निपल हुए, वो हील नहीं हुआ, इन्फेक्शन छाती के अंदर चला गया। जब इन्फेक्शन छाती के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर सोजिश होती है, क्योंकि निपल में क्रैक आने की वजह से माँ उस तरीके से दूध नहीं पिलाती उस साइड से जिस तरह के नॉर्मल पिलाना चाहिए, यही वजह के दूध उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। स्टेसिस की वजह से और बाकी बैक्टीरिया इन्वेड होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, पस बनती है,
या पस बनने के आसार हो जाते हैं या इन्फेक्शन होता है, जिससे जो जो छाती का कोई एक ख़ास एरिया या कोई भी एरिया वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, फीवर होता है, दर्द होती है, बुखार होता है। तो इस स्टेज पर एक तो रेस्ट के ज़रिए, दूसरा प्रॉपर एंटीबायोटिक से, एंटीपायरेटिक से और उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर इस कंडीशन को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो वो जो इन्फेक्शन होता है, जो मैस्टाइटिस होता है, वहाँ पे पस बनती है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस बन जाती है। और जब भी कभी ब्रेस्ट एब्सेस बनती है तो उसको हमें ड्रेन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसको ड्रेन नहीं करते वो इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं होता। बाद में उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर एंटीबायोटिक, प्रॉपर केयर से ये मसला सॉल्व हो जाता है। लास्ट ऑफ ऑल, हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध का नेम बदल कोई भी नहीं है। माँ के दूध में वो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है जो इंसान को 25 साल तक बहुत सी बीमारियों से बचाती है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।